साइड में आप देख सकते हैं इधर जंगल है और रोड के इस साइड भी इस तरीके से चाय बागान लगा हुआ है। आप लोग भी आ सकते हैं क्योंकि ये नज़ारा आप देखिए काफ़ी खूबसूरत है, जंगल के किनारे ऐसा आप घूमने आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह है ये, रोड भी काफ़ी अच्छा है। हेलो हाय जोहार साथियों, मैं हूं आकाश और आप सभी को आकाश जसपुर ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज मैं मनोराज आ रहा हूं, सीओ सर और डीएम सर मीटिंग बुलाए हैं। हम लोग मनोरा आए थे और यहाँ पे मीटिंग था, बहुत सारे लोग थे। अभी मैं आप लोग को यहाँ का जो दुर्गा है दिखाता हूँ कैसे है। कहाँ कहाँ के लिए बन रहा है भैया? यही वाला है। अच्छा, यहीं पे बैठेगा? यही बैठा है। अच्छा भैया, पेंट कर रहे हैं इधर, ये रहा। ये तीनों यही जगह का है ना? ये एक सेट है, तीनों एक सेट है। अच्छा एक सेट है, अच्छा तो ये पूरा सेट बैठेगा, ये वाला है और इसमें ये। अच्छा बंगाल से आए हैं, कितना दिन से बना रहे हैं? ये एक महीना पर हो गया। एक महीना हो गया, पार हो गया। अच्छा एक महीना से पार हो गया है। अच्छा उधर आपको क्या बोलते हैं, नारायणपुर में बनाते हैं, झारखंड में चिलपुर डुमरी जयरागी भागीदौली सिरमी मोवाडार उधर बनाते हैं। अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिडिल चित्रोर है। अच्छा ये है, और आपका भैया? मेरा नाम श्यामल। श्यामल है रहा। तो यहाँ पे तीन मूर्ति बन रहा है और ये लोग बंगाल से आए हैं, अभी पेंट चल रहा है और इधर सब टेंट वेंट लगेगा शायद। इधर भी पंडाल बन रहा है इसका, क्योंकि यहीं पे होता है मनोरा का, ये मंदिर के पास ही लगता है। भैया ये होटल का प्रधान होटल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा चटनी मिला आपको, दिखाते हैं। यहाँ पे समोसा खा सकते हैं, बड़ा खा सकते हैं और धुसका भी है जो कि जसपुर का फेमस है। जगह है यार ये वाला जगह, मुर्गा टुमरी जगह, तो यहाँ खटाबेल से आगे और बिची टोली के बीच में है ये। अच्छा तो यहाँ पे ना चाय बागान है, चाय बागान जो कि आप लोग को काफ़ी, मुझे लगता है कि पता नहीं होगा क्योंकि अधिकतर लोग को पता है सारोडी और सुगड़ा का चाय बागान, बाकी यहाँ भी है, दिख गया है क्योंकि मैं रास्ता में जा रहा था तो मैं सोचा कि आप लोग को दिखाऊं, तो आप लोग को दिखाता हूँ। पे हो रहा है अदरक का खेती, ये रहा, इसमें से घास को निराई कर चुके हैं। बकई बोलते हैं ना, मेरे को लगता था कि हम लोग बकई बोलते हैं शायद, और इसी के छाया में इसको लगाया जाता है। अभी तो बिल्कुल नया है, मिट्टी देख सकते हैं आप लोग, ये रहा। हिंदी नाम कुछ और बोलते होंगे, हाँ हमारे क्षेत्र में उसको बकई बोलते हैं। मिट्टी का पौधा इस तरीके से मिलता है, ये रहा। अभी इसको लगाना काफ़ी बचा हुआ है, इधर बरसात के पानी को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इसको सिंचाई में उपयोग करेंगे। काफ़ी सारा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे गर्मी में सिंचाई का साधन नहीं है, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा क्योंकि इधर जो नाला है उसी से सिंचाई करते हैं, और यहाँ पे लगा हुआ काफ़ी बड़ा एरिया में है, यहाँ ऐसा कोई पोस्टर तो नहीं है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम करने वाले भी, देख रेख करने वाले नहीं है। ये देखिए काम करने आ रहे हैं, अभी खाना खाने गए थे होंगे मेरे ख्याल से ये लोग, इतने सारे लोग काम करते हैं। ये है काम करने वाले यहाँ के, साइड भी लगा है, रोड के दोनों साइड लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया में लगा हुआ है। इस साइड का पौधा तैयार नहीं हुआ है।